नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में एक एक कर गुंडे और माफियाओं का सफाया किया जा रहा है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए जा रहे हैं अपराधियों में, कानून का भय साफ देखा जा सकता है। लेकिन अब बीजेपी के विधायक और नेताओं के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ और डर है। बीजेपी के नेता और विधायक डर के साए में जी रहे हैं, पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता और विधायकों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इतना ही नहीं, उनके परिवार वालों को भी मार डालने की धमकी दी जा रही है और रंगदारी की मांग की जा रही है। ये किसी एक नेता के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम नेताओं के पास ऐसे मैसेज पहुंच रहे हैं। और अब तो ये धमकी भरा मैसेज यूपी के साथ साथ राजस्थान के बीजेपी नेताओं को भी आ रहे हैं। धमकी देने वाला खुद को दुबई का माफिया बता रहा है। आज स्पेशल रिपोर्ट में इसी विषय पर करेंगे चर्चा। यूपी में बीजेपी के 11 विधायकों समेत 13 नेताओं को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 10-10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। सभी संदेशों की भाषा एक जैसी है। कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह विभाग से इसकी शिकायत की, जिसके बाद एसटीएफ और डीजीपी मुख्यालय की साइबर सेल को जांच सौंपी गई। और अब ऐसा ही मैसेज राजस्थान में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी को भी मिला है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब भाजपा के 10 से ज्यादा विधायकों और नेताओं को एक ही नंबर से व्हाट्सएप मैसेज कर 10-10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। 3 दिन में रंगदारी न देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। सभी नेताओं से रंगदारी मांगने में एक जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस इन नेताओं को सुरक्षा देते हुए पड़ताल में जुट गई है। जांच में एटीएस और एसटीएफ को लगाया गया है। वहीं डिबाई की विधायक अनीता राजपूत को मंगलवार को फिर ऐसी ही धमकी मिली। बता दें कि सबसे पहले ये धमकी डिबाई की विधायक अनीता राजपूत को ही मिली थी। अली बुदेश के नाम से धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। मैसेज दुबई के नंबर +1903329-4240 से भेजा गया है। मैसेज में लिखा है कि मैं अली बुदेश भाई, अगर आप अपनी और परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो 3 दिनों में 10 लाख की व्यवस्था करें। मुझे पता है कि आप पैसे की व्यवस्था तब तक नहीं करेंगे जब तक अपने परिवार का एक मृत शरीर नहीं देखेंगे। हम वादा करते हैं कि 3 दिनों के बाद एक एक करके हत्या करना शुरू कर देंगे। आपके पास केवल 3 दिन है। मेरा व्यक्ति आपके करीब है, समय बर्बाद मत करो। धमकी मिलने वालों में बीजेपी विधायक, 10 से ज्यादा बीजेपी नेताओं को मिल चुकी है धमकी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिन विधायकों को धमकी मिल रही है वो सभी बीजेपी नेता हैं। सबसे पहले ये धमकी डिबाई की विधायक अनीता लोधी को मिली। इसके बाद विधायकों को धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। धमकी मिलने वालों में लखनऊ उत्तरी से विधायक नीरज बोरा, मोहम्मदी के विधायक मृगेंद्र प्रताप सिंह, मीरनपुर कटरा के विधायक वीर विक्रम सिंह, फरीदपुर के विधायक श्याम बिहारी लाल, महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी, गोपामऊ से विधायक श्याम प्रकाश, बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह, गोंडा के महनोन सीट से विधायक विनय द्विवेदी, तरबगंज के विधायक प्रेम नारायण पांडे को धमकी मिली है। इसके साथ ही गोरखपुर के चिंदुपार से पूर्व विधायक राजेश त्रिपाठी को भी ये धमकी मिली है। आज सुबह
6:30 बजे एक व्हाट्सअप कॉल आती है, क्योंकि मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो इसलिए मैं उसको व्हाट्सअप कॉल को रिसीव नहीं किया। उसके तुरंत बाद फिर एक व्हाट्सअप कॉल आती है 6:42 पर, तो मैंने सोचा कि इसको रिसीव किया, या जैसे मैं रिसीव करने जाता हूँ तो व्हाट्सअप कॉल कट जाती है। इसके बाद मैंने देखा तो उसमें मैसेज आते हैं, मैसेज में हमारे और हमारे परिवार को मारने की धमकी दी जाती है। उसमें रंगदारी के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड की जाती है और न देने पर 3 दिन के अंदर परिवार के लोगों को एक एक करके हत्या करने की धमकी दी गई है। कौन है ये मैसेज करने वाले, धमकी देने वाले, कुछ पता चल पाया? ये जो उन्होंने लिखा है अपने मैसेज में कि मैं हूँ अली बुद्देश भाई, लेकिन इसका जो नंबर है ये विदेश का है और ये नंबर ऐसा प्रतीत होता है कि ये USA वगैरह का नंबर है। 903+1 लगा के और 329-42। राजस्थान में भी धमकी भरा मैसेज आया सामने। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को भी धमकी मिली। परनामी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। राजस्थान में प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक अशोक परनामी को भी व्हाट्सएप पर वही धमकी मिली है जो अन्य बीजेपी नेताओं को मिली है। इस धमकी में मोटी रकम देने की बात कही गई है। पुलिस ने धमकी के मद्देनजर राजधानी जयपुर में परनामी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। राजस्थान ATS की जांच में पता चला है कि परनामी को अमेरिका होते हुए पाकिस्तान से धमकी दी गई है। अब सवाल उठता है कि ये धमकी देने वाला क्या वाकई दुबई का माफिया है, क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अली बुदेश दाऊद का ही गुर्गा है या फिर किसी शरारती तत्व ने ये शरारत की है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क से भानु दीक्षित की रिपोर्ट। तो बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी विधायकों को कौन निशाना बना रहा है? ये वास्तव में क्या दुबई के किसी माफिया ने धमकी दी है या किसी शरारती तत्व की कोई बड़ी शरारत है? इस वक्त हमारे साथ कानपुर देहात से संवाददाता विवेक त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां विधायक विनोद कटारिया को यह धमकी मिल चुकी है। विवेक, विनोद कटारिया को जब ये धमकी आई तो क्या कुछ उनके परिवार का माहौल था और किस तरह की दहशत और शिकन उनके चेहरे पर थी और पुलिस का अब क्या कहना है? जी भानु, बिल्कुल बताना चाहेंगे। जिस समय विनोद कटारिया के पास ये मैसेज आया तो उनके पूरे परिवार में इस समय दहशत का माहौल है। बहुत डरे हुए वो हैं, क्योंकि उसके बाद वो लोग पुलिस के भी पास गए, थाने भी गए थे। थाने में उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है। कप्तान साहब ने मामला यहाँ पर संज्ञान में लिया। विनोद कटियार यहाँ के SP से मिले, उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया है और यहाँ तक कि उनके कुछ सुरक्षा का भी प्रबंध किया गया, सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। जी, तो अब सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है, लेकिन फोन पर क्या इसके बाद कोई और भी मैसेज आया है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, उन मैसेज के आने के बाद अभी तक कोई भी मैसेज या कोई भी दोबारा रिप्लाई जरूर नहीं आई है। अभी तक दोबारा कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन उनके परिवार में काफी दहशत में देखी जा रही है। जी विवेक, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ सामने निकल कर आया है, क्योंकि ये नंबर हिंदुस्तान का नहीं है, नंबर बाहर का है? जी, जहां तक पुलिस ने जांच की है, उनकी IT सेल इसकी जांच कर रही है, बहुत गंभीरता से मामला लिया है। कहीं तक उनका आकलन लगाया जा रहा है कि ये अमेरिका का लैंडलाइन नंबर है, उसी आधार पर अभी इनकी जांच चल रही है और जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी वो पूरी जानकारी मिलेगी। जी विवेक, जो नंबर आया है वो दुबई का बताया जा रहा है दुबई के किसी माफिया ने धमकी दी है, और जो मैसेज का लहजा है वो भी कहीं कुछ शालीन ही दिखता है, उसमें ऐसे कोई कड़ाई वाला शब्द नहीं है, बड़ी शालीनता से बात कही जा रही है। बड़ा सवाल एक यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि किसी एक बीजेपी के नेता या विधायक को ये धमकी नहीं मिली है, करीब 12-13 बीजेपी के नेता और विधायकों को ये धमकी मिल चुकी है। ऐसे में सिर्फ बीजेपी के नेताओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? जी ये भी बिल्कुल सोचने वाला विषय है कि अभी तक जितनी भी धमकियां दी गई हैं, 11 विधायकों को दी गई हैं, 3 अलग से नेताओं को दी गई हैं, वो सारे के सारे ये नेता और विधायक सिर्फ बीजेपी की है, तो कहीं तक ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई किसी प्रकार से कोई शरारत तो नहीं कर रहा है या फिर किसी आदमी तो ऐसा कोई नहीं है जो बराबर इन लोगों को धमकी दे रहा है। जी बेशक
कोई शख्स ऐसा तो नहीं है जो ये शरारत कर रहा है, धमकी दे रहा है, लेकिन विवेक एक बात और अभी सोचने वाली है कि योगी जी से जब कई नेताओं ने शिकायत भी की है, इसके बारे में बोला भी है, आईटी सेल को उन्होंने पूरा मामला देखने के लिए निर्देशित भी किया है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ पाया है कि कौन इसके पीछे हो सकता है। आपको बता दें कि अब तो ये मैसेज राजस्थान में भी आने लगे हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को भी ऐसा ही धमकी भरा मैसेज मिला है। जी जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, क्योंकि जिसने भी मैसेज लिखा है उसमें बड़ी शालीन भाषा प्रयोग किया गया है, लेकिन वहीं एक धमकी भरा शब्द भी लिखा है। किसी देसाई नाम के आदमी को उन्होंने जिक्र किया है ये मैसेज लिखने वाले ने, उसने साफ कहा है कि देसाई ने मेरी बात नहीं मानी थी, तो जैसा देसाई का हमने जी विवेक आपको रोकेंगे। हमारे साथ अनीता लोधी है, डिवाई से विधायक, जिनके पास सबसे पहले ये धमकी भरा मैसेज आया था और चार बार इनके पास ये मैसेज आ चुका है। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी आपके पास ये मैसेज, धमकी भरा जो मैसेज आया है, क्या लगता है आपको कहां से ये मैसेज भेजा गया है और किस तरह का खौफ आपके जहन में है और पुलिस इस पर क्या अब तक कार्रवाई कर पाई है? मैसेज आया था 19 मई की रात में 11:28 पर, लेकिन मैंने 21 मई को ये मैसेजेस देखे और पढ़े। उसके बाद मैंने एसएसपी गाजियाबाद और एसएसपी बुलंदशहर को बताया, क्योंकि मेरी विधानसभा बुलंदशहर में आती है और मेरा जो परिवार रहता है वो यहाँ गाजियाबाद में रहता है, वैशाली में। तो तुरंत ही एसएसपी गाजियाबाद, एसएसपी बुलंदशहर और एडीजी साहब ने तुरंत इस पर सक्रिय रूप से कार्यवाही शुरू कर दी। और बाकी मैसेज धमकी भरे हैं तो वो तो नेचुरल है कि थोड़ा घबराहट और डर का की बात थी, लेकिन क्योंकि हमें अपनी सरकार पे और मेरे जो पुलिस प्रशासन पे मुझे पूरा भरोसा है, उन्होंने तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी, मेरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जी। और बाकी स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कल 8:50 पर कॉल करके खुद संज्ञान लिया। तो जब हमारे मुख्यमंत्री जी खुद सभी विधायकों की चिंता कर रहे हैं तो ऐसे कोई डर की बात नहीं है, लेकिन हाँ इसको पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अननेसेसरली एक पैनिक क्रिएट कर रहा है और अननेसेसरली, और ये इसकी सबसे बड़ी बात ये है, जो भी ये है शख्स है या गैंग है या जो भी, मतलब कुछ कह नहीं सकते कि एक व्यक्ति का काम है या किसी संगठन का काम है। अनीता जी ये एक शख्स का काम है या गिरोह है या क्या है ये पुलिस पता लगा रही है, आईटी सेल सक्रिय है इस पर काम करने के लिए, लेकिन आपके पास एक के बाद एक करीब चार बार शायद मैसेज आ चुके हैं। तो चार दिन से आ रहे हैं, कल रात तक आए हैं। तो मैम जो ये मैसेज आपको आ रहे हैं इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जितने भी मैसेज अब तक आए हैं सभी बीजेपी नेताओं के पास आए हैं, अब तो राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी के पास भी ये मैसेज आ चुका है, तो क्या लगता है आपको कि कौन हो सकता है इसके पीछे जो सिर्फ बीजेपी नेताओं को ही टारगेट कर रहा है? ये तो कहना मुश्किल है हमारी तरफ से, क्योंकि कौन हो सकता है ये तो एक बहुत बड़ा विषय है, और ये पता चल जाएगा कि कौन हो सकता है तो हमारी सरकार उसे पकड़ के क्या इसके पीछे किसी षड्यंत्र की बू नहीं आ रही आपको? ये दोनों विषय हो सकते हैं, षड्यंत्र से ज्यादा एक साइकिक का काम लग रहा है, क्योंकि जो भी मैसेजेस है वो बिल्कुल सेम है, डिट्टो है। जैसे अभी आपने एक बात कर रहे थे कि नटवर लाल देसाई को मुंबई में हत्या की थी, सेम मैसेज 4:28 पर कल मुझे मिला है, और उसमें अंत में उसमें ऐसे लिखता है कि नटवर लाल देसाई के परिवार ने भी मेरी बात नहीं मानी, उसकी हत्या कर दी गई, आप अपने जीवन के अंतिम क्षणों का आनंद लीजिए, इस तरह का वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है और इस तरह, लेकिन और सभी को एक तरह का मैसेज भेज रहा है, और तो ये मतलब कुछ साइकिक भी लग रहा है कभी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब गंभीर भी हैं, क्योंकि इसको लोकेशन हम लोगों की पता है कि जैसे एसएसपी गाजियाबाद के ऑफिस से मैं वापस आ रही थी तो उसने मैसेज भेज दिया कि क्राइम ब्रांच मुझसे डरा है, वे आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, इस तरह की जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अचानक से थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं क्या मामला है, लेकिन मैम जब आप एसएसपी ऑफिस से वापस आती हैं तो क्या आपके पास जब ये मैसेज आता है कि क्राइम ब्रांच भी आपसे उससे डरा हुआ है उस शख्स से, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई शख्स है जो आपके आसपास ही है जो पूरी जानकारी दे रहा है? ऐसा मुझे शख्स नहीं लग रहा है, मुझे टोटली ये मामला टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कोई मतलब इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू या आइदर मतलब उसके थ्रू मतलब साइबर क्राइम का मामला है वैसे भी ये,
प्रथम दृष्टया ही जैसा पुलिस को भी लग रहा है, हमको खुद लग रहा है ये साइबर क्राइम का ही मामला है, क्योंकि हमारे नंबर सभी विधायकों के गूगल पे और सब जगह है, तो वहां से इन्होंने जो भी करके ले लिया है, हमारे डिटेल्स ले लिए हैं, तो उससे ये मतलब एक हो सकता है पैनिक क्रिएट करने की, अननेसेसरली माहौल खराब करने की बात हो सकती है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूर्णतया पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और हम सभी विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेरे पास खुद इस टाइम 6 गनर हैं, 2 मेरे अपने, 2 गाजियाबाद से, 2 बुलंदशहर से, तो प्रशासन पूर्णतया हम लोगों के लिए सक्रिय है और पूरी हमें मतलब सहयोग कर रहा है और बाकी हम संतुष्ट हैं कि पूरा जो कार्य है वो पूरी मुस्तैदी से चल रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मैटर है तो इसलिए हमें भी ज्यादा कुछ नहीं पता है कॉन्फिडेंशियल होने के नाते, और बाकी अपना काम कर रहा है, प्रशासन कर रहा है, मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेकर हर विधायक की चिंता कर रहे हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और मेरा आप सभी चैनल के माध्यम, इस चैनल के माध्यम से भी यही कहना है कि इस विषय को पैनिक ना करें, बस हाँ नहीं, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि इसको पैनिक ना करें, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर और इस तरह का जो भी अपराधी है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सुरक्षा के मद्देनजर ही हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा, क्योंकि साइबर क्राइम की का मामला होने की वजह से बहुत सारी चीजें हमसे भी शेयर नहीं कर रही है पुलिस, और करनी भी नहीं चाहिए, वो अपने अपने स्तर पे पूरे तत्परता से कार्य कर रहे हैं, जो भी हमको मैसेज आता है हम एसएसपी गाजियाबाद, एसएसपी बुलंदशहर को मैं तुरंत उसको फॉरवर्ड करती हूँ, उन लोगों का तुरंत रेस्पॉन्स आता है कि मैसेज मिल गया है और कार्यवाही चल रही है, तो इसीलिए हम तो आश्वस्त हैं और अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए भी जा रहे हैं, चिंता की बात हमारी तरफ से फिलहाल कोई नहीं है। जी अनिता जी, आपको रोकेंगे, हमारे साथ पंकज जोशी हैं, बीजेपी नेता, वो भी जुड़ गए हैं। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी जी धन्यवाद। पंकज जी, एक विषय जो इस समय सभी जगह छाया हुआ है कि सभी बीजेपी नेताओं को धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं, और दुबई का कोई माफिया अबू बुदेश खुद को बताता है और धमकी भरा मैसेज देता है, अनीता लोधी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जिनके पास सबसे पहले ये मैसेज आया था, तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये कोई षड्यंत्र है और सुरक्षा को लेकर, और कितने पुख्ता इंतजाम अभी किए जाने चाहिए? देखिए, अभी षड्यंत्र है या कोई, जैसा अभी मैं सुन रहा था नेताजी को, उन्होंने कहा कोई साहित्य का आदमी जो डाल रहा है जी, जी। या इस जो ये जो आईटी है जो बेसिकली कम्युनिकेशन के साधन है, इसका दुरुपयोग जो लोग कर रहे हैं तो उसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो है राजस्थान के अंदर भी जो हमारे पूर्व जो हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे जो विधायक हैं आदरणीय अशोक जी परनामी, उनको भी 2-3 रोज से जो है लगातार जो है इस तरीके के जो है व्हाट्सएप आ रहे थे, उसके बाद जो है वॉइस मेल आया, उसके बाद जो है उनकी सुरक्षा को यहाँ बढ़ा दिया गया है, उस सुरक्षा बढ़ाने के बाद इसकी जांच की जा रही है, और दोनों ही जगह यूपी से भी जो खबरें आई है कि वहाँ 25 विधायकों को जो है इस तरीके की जो है धमकी मिली है, तो उसकी जो है पोर्टल जो है हाई लेवल के ऊपर एक कमेटी बनाकर के उसकी जांच की जा रही है, और निश्चित रूप से जो भी लोग इसके अंदर होंगे वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे, और इस तरीके की जो चीजें हैं उनमें कठिन दंड होना ही चाहिए। जी पंकज जी, रुकेंगे, हमारे साथ डॉक्टर अर्चना शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गई है। अर्चना जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। हाँ जी, धन्यवाद। अर्चना जी, एक मैसेज जो सभी बीजेपी नेताओं के पास पहुंच रहा है, बेहद ही धमकी भरा है, उसमें 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग के साथ साथ जान को भी खतरा बताया जा रहा है, जैसा कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी जी को भी ऐसा ही एक मैसेज आज पहुंचा है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या कहीं ये षड्यंत्र है या किसी फिजा बिगाड़ने की, ये कोई फिजा बिगाड़ने के लिए कोई ऐसा कर रहा है या कोई साइको है इसके पीछे? क्योंकि अब जब तक ये पता नहीं चलेगी किसकी हरकत है, लेकिन वास्तविकता है कि चिंता का विषय है जी, चाहे वो विपक्षी पार्टी के नेताओं को मिले, किसी को भी धमकी मिलना इस तरह के, और पूरे मुझे लग रहा है कि नॉर्दर्न इंडिया में तो सब जगह सबके कई लोगों को इस तरह की धमकी मिली है। ये जांच का मुद्दा है, क्योंकि वॉइस मेल आना, उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज आना, तो साइबर क्राइम सेल को तत्परता दिखा करके और इस सबका खुलासा करना चाहिए, ताकि इस तरह की धमकी देने वाले या तो कोई मिस्टीवियस एलिमेंट्स हैं या फिर सचमुच कोई खतरा है, तो चिंता की बात भी है, तो इसका खुलासा होना चाहिए और ऐसी धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। अर्चना जी, हालांकि आईटी सेल अपना काम कर रहा है और पुलिस भी लगी हुई है, परनामी जी को जो धमकी मिली है उसमें माना जा रहा है कि अमेरिका से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते ये धमकी दी गई है, पाकिस्तान से बहुत कुछ आईटी सेल भी लगा हुआ है, और माना यह भी जा रहा है ये सब टेक्नोलॉजी के साथ साथ हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कोई आपका नेटवर्क डिटेक्ट करके आपको ये धमकियां दे रहा है, तो
कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी साइको का भी हाथ हो सकता है, लेकिन एक खतरा ये भी हो सकता है कि क्या अगर वाकई में कोई दुबई का माफिया इन नेताओं को टारगेट कर रहा है तो बेहद गंभीर विषय भी है ये। बिल्कुल, आपने सारी संभावनाएं व्यक्त कर दी कि कोई साइको हो सकता है जिसका मिस्टीरियस एलिमेंट हो सकता है, कोई माफिया हो सकता है, कोई आतंकवादी भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। तो क्रिमिनल माइंडेड है जो भी है, किसी भी स्तर का व्यक्ति है और वो इस तरह की धमकियां दे रहा है, तो ये पूरे देश के लिए चिंता का मुद्दा है कि किसे टारगेट नेताओं को किया है और पार्टी विशेष के नेताओं को किया है। ऐसी अवस्था में से खुलासा होना चाहिए क्योंकि हम सब भारत के नागरिक है, किसी को भी धमकी मिले तो हमारी कानून व्यवस्था भी प्रश्न चिन्ह है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और इस तरह की धमकी का सिलसिला जारी है तो हमारे लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है। क्योंकि यदि हमारी साइबर सिक्योरिटी की ये स्तर है तो आप समझ लीजिए कि अब नेताओं को ऐसे थ्रेट्स मिल रहे हैं तो आम नागरिकों के क्या हालात होंगे। तो ये अब सचमुच हम सबके लिए एक बहुत ही गंभीर मामला बन के आया सामने। जी अनीता जी, आपसे जानेंगे कि हो सकता है किसी का ये मोटिव रहा हो कि इस तरह नेताओं को दबाव बनाकर, इस तरह से डराकर, उनका ध्यान भटकाकर किसी मुद्दे को प्रभावित किया जा सके। जी अनीता जी, डराने का तो इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है, नेता क्योंकि बात परिवार तक आ जाती है तो आदमी थोड़ा सा नर्वस हो ही जाता है। हाँ, इसीलिए हम परेशान बस इतना ही है। लेकिन क्योंकि वो जो मैसेजेस है ना, यदि आपने देखे हो तो उसमें सभी मैसेजेस सेम है, जो 11-12 विधायकों को भेजे गए वो सेम मैसेजेस है जिसमें वो 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है और सेम ही मैसेज ये भेज रहा है कि एक एक करके सबकी हत्या कर देंगे परिवार के सदस्यों की, और सेम की मैंने नटवरलाल देसाई की भी हत्या इसी तरह से की थी। तो इसमें मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा जो सिर्फ जो मेरे को अभी तक महसूस हो रहा है, मेरे पास 4 दिन से मैसेज आ रहे हैं, मेरे को ये महसूस हो रहा है कि सिर्फ इसमें भय पैदा करने का कुछ कोशिश कर रहे या पता नहीं कोई प्रायोजित है, पीछे कौन है इसके, या मानसिक रूप से कोई पीड़ित है कुछ। ये तो साइबर क्राइम इसको जब ढूंढेगा और इस व्यक्ति को पकड़ेगा तभी पता चल पाएगा। जी अनीता जी, वक्त की कमी के हम इस चर्चा को यहीं रोकेंगे। तो आप चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मुद्दा बेहद गंभीर है, सभी वीआईपीज को टारगेट किया जा रहा है, विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक ही पार्टी बीजेपी के विधायक और नेताओं को इसमें टारगेट किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि इसके पीछे आखिर है कौन। आईटी सेल और पुलिस प्रशासन इसका खुलासे के लिए लगा हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द इसका खुलासा होगा और सब कुछ वैसे ही स्थिर हो जाएगा जैसा चल रहा था। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में दीजिए इजाजत और लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।